किस रेट में है, क्या साइज में, कौन सी वैरायटी है, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एक एक फिशेस के प्राइसेस दिखाएंगे अभी, चलो चालू करते हैं, लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ओ फिश। और मेरा नाम है अभिषेक पाटिल और आज का वीडियो होने वाला है वापस कुर्ला मार्केट में। तो कुर्ला मार्केट में आए तो आप परी एक्वेरियम में जाना तो बनता है। तो फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ परी एक्वेरियम के ऊपर, तो अभी देखते हैं परी एक्वेरियम में कौन सा स्टॉक अवेलेबल है और क्या क्या फिशेज है और क्या क्या प्लांट्स अवेलेबल है, जाके देखते हैं, लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुर्ला ईस्ट स्टेशन है, तो कुर्ला ईस्ट स्टेशन के ईस्ट पॉइंट है, वहां से आपको सीधा चलते आना है और चल के आने के बाद ही फर्स्ट राइड आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे नेहरू नगर के अंदर। तो फर्स्ट राइड लेने के बाद आपको सीधा चलते आना है, मेरे पीछे आ जाओ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे फर्स्ट साइड में आप आएगा तो डियोन शेल्टर बिल्डिंग है और यहाँ पे लिखा हुआ है परी एक्वेरियम और फर्स्ट शॉप ही है वो जो परी एक्वेरियम है अंदर। और यहाँ पे हम आ चुके हैं परी एक्वेरियम में, तो अभी देखते हैं अंदर जाते हैं आरिफ भाई, आतिक भाई से मिलते हैं और कौन से फिशेस प्लांट्स अवेलेबल है और चेकआउट करते हैं और उनके प्राइसेस देखा। वीडियो एंड तक देखो, स्किप मत करो, लेट्स गो। तो हाय गाइस, तो यहाँ पे अपने साथ है आतिक भाई जो परी एक्वेरियम के ओनर है, तो आज उनसे जानते हैं कि आज क्या देखने मिलने वाले वीडियो में। तो आतिक भाई बताइए जरा व्यूअर्स को आपने क्या देखने। सबसे पहले तो अभिषेक आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारी दुकान में आए हो वीडियो बनाने के लिए, काफी टाइम बाद आए हो आप हमारे पास। तो काफी चीजें है, जैसे एंजल्स में अच्छी खासी वराइटीज है, डिस्कस के अंदर है, प्लांट्स के अंदर का अच्छा खासा अपने स्टॉक्स है, हर वराइटी का प्लांट्स मिलेंगे आपको। फाइटर फिश के अंदर अच्छे अच्छे एक से फाइटर है, कलरफुल वगैरह फिन्स वगैरह है। उसके अलावा अरवाना के अंदर है, हाई बैक है, सुपर हाई बैक है, सिल्वर अरवाना है, शुभुनकिन गोल्ड फिश है, शिवराम्स है, ऑस्कर्स भी है, काफ़ी अच्छे वैरायटी के ऑस्कर्स है, चिकलेट्स अच्छी अच्छी वैरायटी के चिकलेट्स है, पैरेट्स है, अल्बिनो जियो फेदर्स है, गप्पी में है, रामा रोजी के अंदर काफ़ी अच्छी वैरायटी है, एंजल्स एंजल्स है, ये काफ़ी अच्छा बल्गेरियल एंजल्स है, जेट ब्लैक एंजल्स है। और कुछ नया अगर देखना तो जरा अपने ये है आपको पिकॉक गिल है हमारे पास और ये पिकॉक बास है, ब्लैक घोस्ट है, डिस्कस के अंदर अच्छी खासी वैरायटीज है। मतलब नहीं नहीं बोल के 100 वैरायटीज देखने मिलेगा। यस यस यस, 100 वैरायटीज आज देखने मिलेगा। तो वीडियो एंड तक देखो और एक एक का मैं प्राइस भी बताऊंगा। और प्राइस कैसा होता है सर, कभी भी प्राइस है ना अप एंड डाउन होते रहता है। जैसे अभी हम अगर आज ये प्राइस बोले तो कस्टमर 8 दिन बाद 10 दिन बाद बोलता भाई आपने ये बोले थे, क्योंकि मछली जो होती है लाइफ चीज है, तो उस हिसाब से साइज छोटा बड़ा होता है, तो प्राइस भी अप एंड डाउन होते रहता है, समझे? तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो प्राइस में थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो देखते हैं अभी वीडियो एक एक फिश स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे आ चुके हैं अपने आरिफ भाई, तो आरिफ भाई हमें आज सब फिशेस दिखाएंगे एक एक करके। तो आरिफ भाई सबसे पहला वेलकम तो चैनल पे आपका, और कैसे हो आप? बढ़िया भाई, मैं सबसे पहले थैंक्स बोलूंगा अभिषेक भाई को, थैंक्स बोलूंगा इसलिए कि मेरे शॉप पे बहुत दिनों के बाद हम लोग चैनल पे वीडियो बना रहे हो फिश के ऊपर, शायद काफी साल भर हो गया रहेगा शायद ना। तो ये वीडियो मेरा प्राइस रिगार्डिंग रहेगा कि क्या मछली मेरे पास अवेलेबल है और किस रेट में है, क्या साइज में, कौन सी वैरायटी है, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एक एक फिशेस के प्राइसेस दिखाएंगे अभी, चलो चालू करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे फर्स्ट वैरायटी देख रहे हैं, तो आरिफ भाई ये वाली कौन सी वैरायटी है? बटरफ्लाई शुभमकिन है बिग साइज में, मिनिमम इसका एक साइज 8 से 10 इंच का रहेगा ये शुभमकिन का। ये वाला 500 रुपीज इंच के हिसाब से आपको पड़ जाएगी, वेल्टेल में हाई क्वालिटी के। ये वाला देखिए आप लोगों को खुद को पता चलेगा, अगर बिगर साइज का टैंक है किसी के पास तो वो इस फिश को रख सकते हैं, बेस्ट रहेगा और दिखने में ज्यादा खूबसूरत। नॉर्मल शुभमकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखे रहेंगे, उसके मुकाबले में ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिस तरह से बटरफ्लाई कोई वगैरह आती है उस टाइप का शुभमकिन है। 500 रुपीज पर पीस के हिसाब से पड़ेगा, 1000 रुपीज पैर में। तो अरे भाई सेकंड वैरायटी अरवाना की दिख रही है, तो कौन सी अरवाना है इसके अंदर? ये वाला सिल्वर अरवाना 8 इंच का साइज में 1500 रुपए पर पीस में पड़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे सुपर हाई बैग है, 8500 रुपीज में दे दूंगा ये वाला अरवाना, सुपर हाई बैग 8500 रुपीज में। इसके अलावा बिगर साइज में 1 फीट के ऊपर का साइज का अरवाना सिल्वर है, ये वाला लेके आपको 2500 रुपीज में आ जाएगा बिगर साइज में। उसके अंदर देखेंगे ये सुपर हाई बैग है, ये वाला आपको पड़ जाएगा 10500 रुपीज में, 10500 में। ये वाली कौन सी वैरायटी है? जियोफेगा सेकेली। तो इसका क्या खूबसूरती है और क्या कौन सी वैरायटी के साथ रहते हैं? जियोफेगा चिकलेट फैमिली से बिलोंग करता है, नॉर्मली आप इसको किसी के साथ में भी रख सकते हैं, जिस तरह से आपने इसको डिस्कस वगैरह के साथ में रखते हैं अरवाना के साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लाउड लॉन्चेस वगैरह के साथ में भी रह जाती है और इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। तो आपको ये इसका साइज रहेगा मिनिमम 4 इंच का साइज है इसका, ये वाला आपको 400 इंच में पड़ेगा, 800 पर पैर में। नेक्स्ट वैरायटी कौन सी दिख रही है? विडो रेट्रा बिग साइज में 354 डजन में आपको आ जाएगा ये वाला, 354 डजन में आ जाएगा। ओके, दिख रही है, तो क्या इसका प्राइस रहेगा? ये प्लकट फीमेल्स है मेरे पास, यहाँ पे देखेंगे मिक्स लॉट में है, इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे प्लेटिनम आपको नजर आ रहा है, प्लेटिनम प्लकट है यहाँ पे,
गैलेक्सी प्लाकार्ड है इसके अंदर, नीमो प्लाकार्ड है और मिक्स कलर में इसके अंदर। अगर आप ब्रीडिंग पर्पज के लिए लेना चाहते हैं तो एडल्ट साइज में है ये, तो ये वाले आपको तो 50 इंच में पड़ जाएंगे, 250 रुपए पर पीस के हिसाब से 250 इंच में आ जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल फिश देख रही है। तो ये कौन सी फिश है? रैम्स, इलेक्ट्रिक ब्लू रैम्स, गोल्डन रैम्स एंड जर्मन रैम्स इसके अंदर मिक्स में मिलेगा आपको। हाँ, मेरे पास बलून रैम्स भी है। समथिंग आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, 200 रुपीज से लेकर 350 रुपीज के पैर में आपको मिल जाएगा। डिपेंड ऑन द बलून का रेट थोड़ा 350 रुपये है। और जो लॉन्ग बॉडी में है गोल्डन एंड ब्लू वाला, ये वाले लॉन्ग बॉडी में है तो ये वाले आपको 200 रुपीज में, एंड अल्बिनो वाला लेके 250 रुपीज पैर में आपको आएगा। तो आदि मैं पे प्लांट दिख रहा है, ये प्लांट कौन सा है? रेड लिली का कांदा है ये। नॉर्मली आप उसको ऐसा भी रख सकते हो। इसके अलावा देखिए कि टैंक के अंदर आपको गुरामी नजर आ रही है, इसको ड्रॉप गुरामी बोलते हैं। ड्रॉप गुरामी ये वाला 100 रुपीज इसके हिसाब से आपको पड़ेगा, 200 रुपीज पैर में आपको मिल जाएगा ये 200 रुपीज पैर के हिसाब से। तो आरिफ यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फिश दिख रही है, ये वाली कौन सी फिश है? कपीज है, मेल फीमेल बहुत। इसके अंदर बड़ा साइज का एडल्ट में डजन में लेके 600 डजन में आएगा ये वाला बिगर साइज है। ये वाला स्मॉल साइज का यहाँ पे मेल फीमेल बहुत, इसके अंदर ये वाला 400 डजन में आएगा, 400 रुपये में, 400 रुपये डजन और 600 रुपीज डजन में। ये 600 रुपीज डजन है और ये 400 रुपीज डजन मिक्स लॉट है, इसमें कोबराज एंड अदर कलर में टैक्सीडो वगैरह। तो आरिफ भाई ये वाली कौन सी वैरायटी है? बलून प्लेटीज है रेड में ये वाली। अगर आप बलून प्लेटीज पेयरिंग में लेंगे तो आपको समथिंग 80 रुपीज पेयर में आएगा, अगर आप डजन में लेंगे तो आपको 354 डजन में आ जाएगा। 354 डजन एंड पेयर 80 रुपीज का पेयर, 80 रुपीज का पेयर में आ जाएगा। अल्बिनो रेड आइस पिराना एंड नॉर्मल आपको पिराना है इसके अंदर, दो ही वैरायटी इसके अंदर अवेलेबल है। ये वाले आपको 300 से 200 रुपए पेयर में आपको मिल जाएगा। नॉर्मल पिराना लेंगे मिनिमम 3 इंच का साइज है इसका, 200 रुपया एंड 300 रुपए पैर में आपको आ जाएगी। अरे भाई यहाँ पे पैरेट फिश की वैरायटी दिख रही है, तो कौन से पैरेट फिश है इसके अंदर? रेड पैरेट एंड येलो पैरेट है, 600 to 700 रुपए का पैर है। रेड एंड येलो पैरेट है, यस, 600 and 700 रुपीज पैर में आ जाएगी। ओके, यहाँ पे मिक्स वैरायटी की सिकलेट्स दिख रही है, तो कौन से टाइप की सिकलेट है? अफ्रीकन सिकलेट्स है इसके अंदर, वीनस है, फ्लैमिंगो है, बाई कलर है, स्ट्रॉबेरी है इसके अंदर, मिक्स लॉट है इसके अंदर। ये वाला अगर आप मिनिमम इसका 3 इंच का साइज रहेगा इसका, अगर आप पैरिंग में लेंगे तो 400 रुपीज पैर है, अगर डजन में लेंगे तो आपको समथिंग पड़ जाएगा ये 2400 रुपए, 2100 रुपए डजन में आपको आ जाएगा, 2100 फॉर अ डजन। मैं यहाँ पे एंजल की वैरायटी दिख रही है, ये वाली कौन सी एंजल है? मार्बल स्टार एंजल है। ओके, 80 रुपीज का पैर आ जाएगा ये वाला, और डजन में लेंगे तो समथिंग 354 डजन में आ जाएगा, 354 डजन एंड 80 रुपीज फॉर अ पैर। और उसके बाजू वाले टैंक में भी मेरे को एंजल फिश की वैरायटी दिख रही है, काफी एक्टिव भी है, टैक्सिडो एंजल एंड ब्लू पिना है, जेड ब्लैक बोलते हैं उसको, वो एंजल है, 154 पैर में आ जाएगा। ये जो व्हाइट वाली है कितने पैर में? टक्सिडो वेल्डल, टक्सिडो वेल्डल क्या प्राइस में? दोनों भी सेम प्राइस में आ जाएगा, 150 रुपीज में। हाइफिन है दोनों ये, ओके, नॉर्मल ही है, हाइफिन है तो थोड़ा प्राइस इसका मेंटेन है, 154 पैर में, एंड डजन में लेके तो समथिंग 700 रुपए डजन में आ जाएगा ये वाला, 154 पैर दोनों का किलो, और 700 डजन में मिल जाएगा, 700 फॉर अ डजन। अरे भाई एक और वैरायटी की एंजल फिश दिख रही है, ये वाली कौन सी वैरायटी है? इसके अंदर टेक्सिडो एंजल है, कोई एंजल है इसके अंदर, और इसके अंदर प्लैटिनम एंजल है, मिक्स लॉट है इसके अंदर एंजल का मेरे पास। तो आप लोग तो इसका प्राइस बताया था आप लोगों को मैं, ये वाला आपको समथिंग इसके सब साइज बड़ा बड़ा है, 3 इंच का साइज का एंजल है, 250 इंच में आ जाएगा एंजल, ये वाले बिगर साइज में 3 इंच है, तो आपको 500 रुपीज पैर में आपको मिल जाते हैं ये वाले, 500 फॉर अ पैर में आ जाएगी। प्लांटेड टैंक में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, नॉर्मल नियॉन टेट्रा आपने देखा रहेगा जिसमें ब्लू लाइट रहती है, वैसे तो गोल्डन कलर की लाइन रहती है बॉडी के ऊपर जैसे, तो इसका प्राइस भी बताया था आपको, 254 डजन में आपको आ जाएगी, 250 में 12, 250 में। ये वाली कौन सी वैरायटी आ रही भाई? स्कारलेट बडीज है, रेड बडीज बोलते हैं इसको, ये वाला अगर आप डजन पे बाय करेंगे 354 डजन में आ जाएगा आपको। प्लांटेड टैंक का फिश है, अगर आप पैरिंग में लेंगे तो 80 रुपीज को पैर में आ जाएगा। ये वाला कौन सा एंजल है? बल्गेरियन सिल्क ऑयल्ड एंजल है इसको बोलते हैं। ये मैंने खुद के प्लांट्स के लिए भी रखा और इसको बेचने के लिए भी रखा हूँ, तो इसका प्राइस समथिंग आप लोग को बताया था, 3 इंच का साइज है इसका, हाइफिन में अच्छा क्वालिटी का बल्गेरियन सिल्क ऑयल मेरे पास अवेलेबल है, वही बताया था आप लोग को। ये रहा बल्गेरियन सिल्क ऑयल्ड एंजल, अच्छे साइज के है, 3 इंच का साइज इनका बॉडी पकड़ के फिन के साथ में है। इसके अलावा ये ब्लू पिनॉय है इसके अंदर बिगर साइज में, 3 इंच के साइज के ये भी है। इन लोग का प्राइस पड़ेगा आपको 200 इंच में, 400 को पैर में आपको मिल जाएगा, ये 400 रुपये जोड़ी में। मेलन है और कुछ व्हाइट फेस मेलन है, ओके, व्हाइट फेस मेलन मीन्स मैंडरिन बोलते हैं उसको, ओके, और इसके अंदर देखेंगे आप लोग को ये जो फुल रेडिश में रहेगा मेलन, और हाफ रेड में वो अगर गोल्डन है तो उसका उसको व्हाइट फेस गोल्डन फेस मेलन भी बोलते हैं इसको। इसका साइज मिनिमम 3 इंच का है, 1000 रुपीज पर पीस के हिसाब से पड़ेगा। इम्पोर्टेड ब्लड लाइन है, फुल बॉडी शेप आप देख सकते हैं इसका, ओरिजिनल है और नॉर्मल नहीं है, लोकल में नहीं है, अच्छा क्वालिटी का माल है,
2000 रुपए स्क्वायर में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर येलो क्रिस्टल है और येलो चेकर बोर्ड है। येलो का साइज मिनिमम 3 इंच का है। ये वाले आपको 750 इंच के हिसाब से पड़ेगा, मतलब 1500 रुपए पैर में आपको आ जाएगी। ये वाले विदाउट हार्मोन से ही है। नॉर्मली मैं इसको टायर वाइज फीडिंग करता हूँ नॉर्मली शॉप के ऊपर, ना इनको कोई मतलब फूड में डाल रहा हूँ कि हार्मोन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल फूड के ऊपर है। 750 इंच के हिसाब से आपको 1500 रुपए पैर में आपको मिल जाएगी। तो आरिफ भाई ये वाली कौन सी वैरायटी है? ये मॉन्स्टर कॉक ट्रिपल ग्रेड का वीआईपी फ्लोरॉन है एसआरडी में, विदाउट हार्मोन्स है। कोई मैं फूड नहीं डालता हूँ कलर वाला, इनहांस वाला नॉर्मल फूड के ऊपर है मेरे पास, मैं इसको नॉर्मल खाना डालता हूँ। ये वाला आपको 2500 रुपीज में आएगा, 2500 फॉर अ पीस में आ जाएगा। इसका साइज देखा मिनिमम 6 इंच का। अरे भाई ये वाली एक छोटी वैरायटी की फिश दिख रही है, ये वाली कौन सी वैरायटी है? पोलर ब्लू पैरेट है। ये पोलर ब्लू पैरेट है, ये काफी फेमस फिश है। बड़े साइज का है, लोग का 2 इंच का साइज है इसका, एडल्ट में है ये। 200 रुपीज का पैर में आपको मिल जाएगा ये वाला, 200 फॉर अ पैर में। ये ब्रीडिंग साइज में है ना? हाँ, एडल्ट साइज में ब्रीडिंग है ये। ओके, तो आरिफ भाई यहाँ वाली कौन सी वैरायटी है? यहाँ पे प्लेटीज एंड शॉर्टटेल का वैरायटी है। अगर आप उसको डजन में बाय करेंगे, जैसे ब्लैक टेल रेड प्लेटीज एंड मिकी माउस प्लेटीज, अगर डजन में बाय करेंगे प्लेटीज तो आपको 250 रुपीज में आएगा। शॉर्टटेल वगैरह आप बाय करेंगे डजन में, आपको 350 रुपए डजन में आ जाएगा। फिश दिख रहे हैं काफी अच्छा, मार्किंग्स भी है, हेड भी अच्छा है, उसका कलरेशन भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये वाली कौन सी फिश है? ये वाला केएमएल की वैरायटी है, वीआईपी ग्रेड का केएमएल है ये, काफी अच्छा क्वालिटी का ए ग्रेड का माल है ये। अभी मेरे पास जगह कंजेस्टेड है तो उसका हेड थोड़ा सा कम हो गया है, बट ये बहुत अच्छा क्वालिटी का। मेरे पास जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज आप लोग को पता रहेगा, जिस तरह से ज्यादा टैंक नहीं है मेरे पास, कुछ वैरायटी में एग्जिस्ट करता हूँ। तो ये वाला मेरे पास अभी आपको उसका प्राइस भी बताया, 2500 रुपीज में आपको आ जाएगा ये वाला वैरायटी का फ्लोहन। कौन सी वैरायटी है? फ्लोहन की वैरायटी है, साड़ी फ्लोहन के बेबीज है। इन लोग को सेपरेटली रखेगा तो इन लोग को हेड आ जाएगा। इसका प्राइस रहेगा 250 रुपीज, और ये अलग अलग मतलब आप पार्टीशन में जब रखोगे ना तो इनको हेड आएगा। ये वाला 250 रुपए पर पीस के हिसाब से आपको पड़ेगा। साइज भी इसका रहेगा 2.5 इंच का साइज का फ्लोहन। ग्लो लाइट वैरायटी की फिश है, ये वाली कौन सी है? ये छोटा साइज में विदाउट एट्रा है, स्मॉल साइज में, मतलब 1 इंच का साइज है इसका। ये वाला आपको 254 डजन में आ जाएगा। सिल्वर कलर की एक फिश दिख रही है, ये वाली कौन सी फिश है? ये डॉलर फिश है, 354 डजन में आपको आ जाएगी। 354 डजन में वैरायटी की फिश दिख रही है, ये वाली कौन सी है? क्लाउन नाइफ बोलते हैं इसको, क्लाउन नाइफ। आपको मिनिमम इसका साइज रहेगा 5 से 6 इंच का, आपको 400 इंच में आएगा। इसके अलावा बिगर साइज में मेरे पास डॉलर है, बड़े साइज के मतलब 3 इंच का डॉलर है, वाला आपको 300 रुपीज पैर में आएगा। सिल्वर शार्क बिगर साइज में 5 इंच का साइज का आपको आ जाएगा 454 पैर में। कौन सी वैरायटी है? बिग साइज में सिल्वर शार्क एंड टिनफॉइल अल्बाइनो एंड सिल्वर वाला। ये वाला इन लोग के 3 इंच का साइज है सिल्वर टिनफॉइल का। ये वाला शार्क इसके अंदर बिगर साइज में 6 इंच प्लस साइज है। ये वाला आपको 454 पैर में, एंड सिल्वर टिनफॉइल लेंगे आपको 250 रुपए पैर में आ जाएगा। भाई ये वाली काफी ब्यूटीफुल फिश दिख रही है, ये वाली कौन सी फिश है? बलून मॉलीज है ये, बलून मॉलीज मेरे पास। इसके अंदर चॉकलेट एंड डबल कलर डालमेशियन वगैरह मिक्स है इसके अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट भी इसके अंदर है। ये वाले अगर आप बाय करेंगे तो आपको आ जाएगा डजन में 300 रुपए डजन में आ जाएगी, 300 रुपए डजन में आपको मिल जाएगी। अगर आप पैरिंग में लेंगे तो आपको 80 रुपए और पैर में मिल जाएगा, 80 रुपए और पैर में। मूनटेल मॉली है इसके अंदर, मूनटेल मॉली देखेगा आप उसके अंदर आपको नजर आएगा। मूनटेल मॉली का मतलब होता है कि उसका टेल जो होता है ना पीछे से, वो मूनटेल है। तो ये 300 रुपीस पर डजन में। अरे भाई रेड कलर की फिश दिख रही है, ये वाली कौन सी फिश है? जंबो साइज का टैंजरीन है ये, बिगर साइज में, मिनिमम 3 इंच का साइज है, 154 पैर में आपको मिल जाएगा। अगर आप डजन में बाय करेंगे तो आपको 700 डजन में मिल जाएगा, 700 रुपए में। जंबो मॉली है बिगर साइज में, 3 इंच के साइज में, एडल्ट में, फुल साइज ब्रीडिंग स्टॉक में। ये वाला ओनली फॉर फीमेल्स है मेरे पास, आप नॉर्मली मेल भी लगा के इसको ब्रीड कर सकते हैं। इसका प्राइस रहेगा आपको बता दूं 154 पैर में आपको मिल जाएगा ये। तो आरिफ भाई ये वाले टैंक के अंदर कौन सी वैरायटी है? यहाँ पे रेड रेम्बो है, रेड रेम्बो आपको 500 रुपीज पैर में मिलेगा। रेड रेम्बो मिनिमम इसका साइज रहेगा 2.5 इंच का साइज इसका रेड रेम्बो का। इसके अलावा रेड टाइगर है, 100 रुपीज पैर में आपको आ जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे सेकंड टैंक में देखेंगे आप वेल्टेल सर्फी है। वेल्टेल सर्फी अगर आप लेते हो, आपको पैरिंग में लेना है तो आपको पड़ जाएगा 100 रुपीज में, एंड अगर आप डजन में बाय करेंगे तो आपको ये पड़ जाएगा मिनिमम 400 फोर डजन में पड़ जाएगा, 400 रुपए डजन में। बिगर साइज में 4 इंचेस के डिस्कस है मेरे पास, 1200 इंच में पड़ेगा आपको ये। इसके अलावा अल्बिनो अरवाड़ा है 4000 रुपीज में, अल्बिनो अरवाड़ा 4000 रुपीज फॉर 6 इंचेस फॉर साइज है, 6 इंचेस प्लस। ये 4 इंचेस के साइज के डिस्कस है ये भी। ये वाला लेके आपको 1500 रुपए पर पीस में आ जाएगा, 1500 इंच में। रफलेशिया पीस है ये, वैरायटी का डिस्कस है ये। ये वाला आपको आ जाएगा 1500 रुपए पर पीस के हिसाब से, मतलब 3000 रुपए से पैर।
इतने दो वैरायटी है उसके अंदर, एक रुकिंग गोल्ड है, एक वरांडा गोल्ड है, लाइन हेड में बिगर साइज में है, मिनिमम चार से चार इंच का साइज का गोल्ड है उसके अंदर वरांडा वाला आपको 500 रुपीज से पैर में मिलेगा, रुकिंग गोल्ड आपको 400 रुपीज से पैर में मिल जाएगा, 400 रुपए जोड़ी में, रुकिंग ब्लैक गोल्ड है वो अफ्रीका ब्लैक गोल्ड आपको पड़ जाएगी 300 रुपीज इंच में, इसका साइज देगा मिनिमम 5 से 6 इंच का, आपको 600 फॉर पैर में मिल जाएगी। सिल्वर शार्क 100 रुपीज इंच में पड़ेगा, 200 फॉर पैर में पड़ेगा, मिनिमम साइज इसका 3 इंच का है। मोनोकुलस ये गोल्डन कैलिबरी है, ये सॉरी गोल्डन कैलिबरी आपको पड़ेगा, इसका मिनिमम 2 इंचेस का साइज है, या 300 रुपीज इंच में पड़ेगा आपको, मतलब 600 फॉर पैर में। पिकॉकिल, पिकॉकिल नॉर्मली आप इसको टेट्रास वगैरह के गोल्ड फिश के या ट्रॉपिकल के साथ में भी रख सकते हो, उसको नॉन एग्रेसिव में आती है, तो इतना मैंने खुद पर्सनली मेरा रखा हो या बहुत से लोग को रिकमेंड किया उसके बारे में, अगर आप इसको पैरिंग में लेके 250 फॉर पैर में आपको मिल जाएगा। ये गप्पी है वो अल्बाइनो रेड एज व्हाइट गप्पी, ये आपको मेल फीमेल बहुत आएगा, एडल्ट फीमेल है, एडल्ट मेल है, इसका ब्रीडिंग में यूज होगी है, ये वाली आपको 254 पैर में मिल जाएगा, 3 इंच का साइज का ऑस्कर है सुपर एक्चुअली, ये वाला आपको पड़ जाएगा 600 फॉर पैर में। इसके अलावा मैंगो ऑस्कर है वो 500 रुपीज से पैर में मिल जाएगा, 500 और 600 रुपीज पैर में आपको दोनों मिल जाएगा, दोनों के प्राइस थोड़ा सा अलग है, साइज भी थोड़ा मैटर करता है, वो हिसाब से 600 और 500 रुपीज का है। व्हाइट ऑस्कर एंड टाइगर ऑस्कर अगर आप इसको बाय करेंगे छोटा सा इसका 2 इंच का, और 254 पैर में आपको आ जाएगा, ये 250 रुपये पैर में। इसके अंदर रेड मोज़ेक ऑस्कर है और सुपर रेड चिली ऑस्कर, छोटा साइज है 2 इंच या 2.25 इंच का साइज का, 400 फॉर पैर में आपको मिल जाएगा। बटरफ्लाई व्हाइट को ये मिनिमम एक 5 इंच का साइज है उसका, वो वाली आपको 300 फॉर पैर में मिल जाएगी बटरफ्लाई में। और इसके अलावा दूसरी जो कोई है वो वाली जापनीज कोई है, ये वाली फर्स्ट कॉपी वाली 600 फॉर पैर में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा छोटा साइज भी अवेलेबल है, छोटे में देखेंगे आपको 100 रुपीज़ से 150 रुपीज़ पैर में आ जाएगा। व्हाइट वाला बटरफ्लाई 150 रुपीज़ पैर है, इसके अलावा नॉर्मली कलर में लेंगे आपको 100 रुपीज पैर में आ जाएगा। यहाँ पे आतिक भाई ये कौन सी फिश दिखा रहे हो हमें? ये अपने 11 रूप है, डॉक्टर फिश है ये। ओके, ये अच्छा खासा काम करती है, ये जो स्पा वगैरह में जो यूज होती है वही वाली फिश। जी 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 जी। और इसका क्या मतलब, किसी को चाहिए रहेगा तो क्या आपसे कॉन्टेक्ट करेगा? यस यस, ये क्वान्टिटी के हिसाब से डाला जाता है, अगर कम लेंगे तो, अगर मिनिमम अगर आप अपने 100 पीस लेते हो तो ये 12 रुपए पीस है, अगर कोई होलसेल वाला आता है तो उनका रेट अलग होता है, डजन लेते हो तो 350 रुपए डजन है ये। ओके, 350 रुपए डजन से आ जाएगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो परी एक्वेरियम के ऊपर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड टिल देन कीप वाचिंग ऑफिस, टेक केयर, बाय।